ब्लॉग पेश करना मेरा काम है और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको नॉर्थ ईस्ट असम से फिर से मेरा चैनल में स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज मैं जय शिव जी का नारा से ये ब्लॉग को शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अभी उपस्थित हूँ तेजपुर चांदमारी श्री श्री महाशिव पुराण में। और दोस्तों कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों के सामने जल यात्रा का यहाँ से ब्लॉग पेश किया हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों तरफ कितना शानदार तरीके से सजाई किया है। और गाइस, फाइनली मैं टेंपल में पहुंच चुका हूं, वो पवित्र स्थान जहां पर श्री श्री महाशिव पुराण का आयोजन किया गया है। जरूर मैं अंदर जाकर दिखाने वाला हूं आप लोगों को। जब बाबू आमा को पाव में ढोगे पछी राजा हर्षित दशरथ राजा खुशी गदगद भैर आशीर्वाद दिन हुन्छ। आयसु मागी आशीर्वाद माग्छ, खुब आशीर्वाद दिन हुन्छ। निशिचर पद मे भूभूषणाथा माग भूमि धेनु धन कोश माटो माग गाई बाछा माग धन सम्पत्ति माग बुढेस कालमा भएका चारवटा छोरा बल्ल बल्ल त्यही पनि माग्ने हुन्छ। देह प्राण मे प्रिय पशु नाही प्राण लिएर जाऊ मेरो तर म रामलाई दिन भन्न थाले। अब भयो काम, एउटा फूल टिप्नलाई फूल उचाल्न पसिना निक्लिए यसले धनुष उचाल्छ। सीतालाई डर देखाउँछ ले होइन, म भगवती मातासँग स्तुति गर्छु नि भनेर भोलिपल्ट बिहान जनक राजाले त्यस्तो शर्त किन राखेको थिए चित्र त्यो धनुष उचाल्नेलाई मात्रै मेरी छोरीले माला लगाइदिन्छ भनेर अर्थ पनि त भन्न सक्थे। त्यस्तो त अनौठो शर्त किन राखे, यसको कारण के हो भन्दाखेरि यसको कारण यही हो कि त्यो जो शिवजीको धनुष हो नि त्यो कसैले उचाल्न सक्दैन, कसैले हल्लाउने उचाल्ने त्यसको त कसैको त्यति शक्ति नै छैन। तर सीताले सधैँभरि त धनु उचालेको देख्नुहुन्छ, झाडु लगाउँदा पुछा लगाउँदाखेरि धनु झुलुक्क उचाले एउटा हातले उचाल्ने अनि सरसर पढाल्ने अनि भित्रता राखिदिने। अनि त्यो देखेर राजा जनक पनि छक्क पर्नुभयो, अरे यत्रो धनु जति सजिलै उचालेर झाडु मारिदिने कि के हो यस्तो। त्यतिखेर अनि जनक राजाले शर्त राख्नुभयो, जसले यो धनुषलाई उचाल्न सक्दछ त्यो मात्रै मेरी छोरी कि बराबर हुन सक्छ। त्यो शर्त त्यतिखेर राख्नु, नभए त्यसै कहाँ त्यस्तो गर्छ राख्नु। शिवजीको धनुष राजा अब
माता का मंदिर में सीता मैया कात्यायनी माता को मंदिर में आरती लिएर पूजा करते हुए भगवान रामचंद्र ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े कौ नलखा देख सब उठाड़े देशन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। आखा झिमिका पारिसकेका त भगवानले गएर धनुष उचालेर भनेदेखि त्यसको डाम्लोलाई रस्सीले तान्नु भएको त धनुष त महाराज दुई बीचमा भडाङ्गै भाँचियो। विवाह हुँदैछ, जनकजीले सबै छोरीहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, र सँगसँगै चारजना बेहुला पनि भएर आउँदैछन्। र दिव्य आज यो भरमेश्वर धाममा राम लक्ष्मण भएर शत्रुघ्न चारैजनाको विवाह अहिले सम्पन्न हुन जाँदैछ। आउनुहोस्
अब तुझे को हूँ इनके दो गाल सखियाँ जस्ती एवढी छोरी विदाई गर्दाखेरि कति दुःख लाग्छ राजाले चाउडी छोरी हो ब्रह्म ज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने शास्त्रमा पाइन्छ सुखले नष्टलाई पनि ब्रह्म ज्ञान दिने जन राजा हुनुहुन्छ तर के गर्नु आप लोग देख सकते हो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर प्रसादी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है आप लोग देख सकते हो गाइस बाय बाय तेजपुर चांदमारी बाय बाय।